अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप कहीं भी हैं, इट्स नेवर टू लेट और इट्स नेवर टू अर्ली टू टॉक अबाउट क्रिकेट. अगर आप वाइट वॉश एक्सपेक्ट करें तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टुडे. सिडनी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया बाय 8 विकेट्स और ये पाकिस्तान की 17वीं स्ट्रेट डिफीट है इन ऑस्ट्रेलिया. नॉट द न्यूज़ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर हुआ वही जिसके लिए दोनों टीम्स फेमस है. पाकिस्तान फेमस है कि एक अच्छे से सेट मैच एक जीतने के पोजीशन पे आ गया था, मगर वहाँ से कहाँ डाउनफॉल हुआ, हारा. दिस इज़ व्हाट वी सीन बिफोर. ऑस्ट्रेलिया फेमस है कि वो नेवर डाई एटीट्यूड के लिए फेमस है, कि वो हारते हारते किस तरह वापस बाउंस बैक करके मैच जीत लेते हैं. सो यस, कंग्रेचुलेशंस टीम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑफ कोर्स हैप्पी रिटायरमेंट टू वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स डेविड वॉर्नर, जिनके हैं 37 हाफ सेंचुरीज टेस्ट क्रिकेट में, 26 सेंचुरीज, 112 टेस्ट मैचेस एंड 8700 से ज़्यादा रन. सो हैप्पी फेयरवेल टू हिम. और क्या फेयरवेल मिला है उनको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, एंड ऑफकोर्स 57 रन भी बनाए, सो दैट नॉक ही विल नेवर फॉरगेट. पैट कमिंस से प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड आमिर जमाल थे प्लेयर ऑफ द मैच, और उनको बोला जा रहा है गोल्डन आर्म ऑफ पाकिस्तान. बट आई डू फील कि मिच मार्श को भी कुछ मिलना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज जस्ट टू गुड. एनी वे, हमेशा ज़बरदस्त होती है कॉन्वर्जेशन जब हमारे पास एक अच्छा ब्लेंड होता है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स एंड जर्नलिस्ट के दरमियान. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, आज मेरे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फैजान लखानी, इज वॉचिंग दिस मैच केयरफुली विद ऑल द डेटाज एंड नंबर्स, ऑफ द फील्ड स्कूप के साथ हैं हमेशा हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी, एंड नोइंग क्रिकेट इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, अ फॉर्मर सेट ऑफ क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं सिकंदर भक्त एंड अब्दुल रजाक. थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस. तो सबसे पहले तो हम लोग मैच की बात करते हैं, फिर टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई, जिस पर हम बात करते हैं. बट चले आपके पास पहले आते हैं रजाक. देख, पाकिस्तान ने डोमिनेट तो किया मगर पार्ट्स में दे वर नेवर इन फुल कंट्रोल. डेफिनेटली देखे, पाकिस्तान की टीम हमेशा जब भी ऑस्ट्रेलिया जाती है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कुछ सीखने जाती है, और हर प्लेयर को अपना पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत से पिचों पे कैसे खेलना है, टेक्निकल वाइज, मेंटली वाइज, फिजिकली वाइज. और यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपॉर्चुनिटी दी है पहले टेस्ट मैच के बाद, पर पाकिस्तान ने अवेल नहीं की, और मेंटली और फिजिकली मैं समझता हूँ हमें काफ़ी प्रॉब्लम नजर आई. और ये कि जो पहले टीम लाई उसमें भी प्रॉब्लम नजर आई, पर ये कि अच्छी बात ये है कि कुछ प्लेयरों की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आई और वो पाकिस्तान के लिए उम्मीद है कि लंबा खेलेंगे, और यही चीज हो रही है. और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह चल रही है, मजेदार की बात ये है कि इनके अपने जवाब है, इनका अपने सवाल है, अपने आप को ही ये कवर करते हैं, अपने आप को डिलीवर करके और प्रेजेंट कर देते हैं. और एक वक्त था कि जब पाकिस्तान टीम बुरा खेलती थी तो उनका पोस्टमार्टम होता था, अब जो है वक्त उल्टा है, अब ये पोस्टमार्टम पाकिस्तान टीम का नहीं होगा, अब पोस्टमार्टम किसी चीज का भी नहीं होगा, जिन्होंने करना था वो खुद बैठे हुए, तो अब ये चेंज आई है बस पाकिस्तान टीम को. ठीक है, मगर आप जिस तरह बात करें टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने, थोड़ा सा आपको स्निपेट बताऊं कि उन्होंने बोला वी लॉस्ट द सीरीज, मतलब सीरीज हार गए, मगर जो आइडिया था वो टेस्ट प्लेयर्स को आजमाने का था, तो उन्होंने बात की है. और हम लोग सिकंदर भक्त के पास भी जाएंगे बात करने, बट बिफोर दैट उन्होंने क्या बोला, पहले ये वाली जो शॉट है ये मैं आपको पहले सुनाती हूँ, लेट्स हियर इट फ्रॉम द टीम डायरेक्टर हिमसेल्फ. यस, वी लॉस्ट द सीरीज, बट द आइडिया वॉज बिहाइंड इट ओनली टू वॉचिंग द टैलेंट ऑफ द प्लेयर्स, एंड वी सीन सम ग्लिम्स ऑफ इट. आई थिंक in this series we presented the right opportunity to the right guys. Saim Ayoob is one of those. Yes, he couldn't play a big innings, but he's shown that glimpse of the talent he has, and I'm sure this guy and rest of the guys, Khurram Shahzad got injured after one test, he's shown the glimpse of a very good test bowler. So we as a team would like to grow as a test team that will help all formats, like all the players to play any format of the game. We like as a coaching staff, I know that every coach really worked really hard on it, but unfortunately as the player went inside they couldn't respond accordingly. ठीक है, प्लेयर्स उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए जितनी कोचेज ने उनके साथ मेहनत की थी, पर अगर सिकु आप हमेशा कीमत अदा करते हो, पाकिस्तान ने पे की थी प्राइस फॉर यू नो पुअर फील्डिंग, एंड नो डाउट हमने को अच्छे कैचेस भी देखे हैं, बट क्रूशियल मोमेंट्स पे कैचेस ड्रॉप एंड देन आपकी बैटिंग ने आपको लेट डाउन किया है. Yeah, अभी हफीज ने बोला वी लॉस्ट द सीरीज बट द आइडिया वाज टू टेस्ट प्लेयर्स टू ट्राई द न्यू प्लेयर्स.
मतलब है कि हम इसलिए नए प्लेयरों को ट्राई किया था कि वी लॉस्ट द सीरीज सो वी कैन लूज द सीरीज, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाह रहे थे। और सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, अभी आपने कहा कि आमिर जमाल को गोल्डन आर्म कहा जा रहा है, वो गोल्डन आर्म सुबह से था किधर? मैं सुबह से बैठा देख रहा था और मैं बैठा इसीलिए था, एक एक चीज नोट कर रहा था कि ये आमिर जमाल को कब लेकर आते हैं यार, 20वें ओवर में आप उसको लेकर आए। मैं समझा और कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे शायद कोई निगल होगा, कोई ऐसी कोई मसल वसल उसका खिंचा हुआ होगा, तो चलो उसको रेस्ट दे रहे हैं, शायद T20 आने वाला है, लाकर उससे बेमकसद गेंद भी करवा दिए जबकि 91/1 थे और 130 रन करने थे, यानी कि 39 रन रह गए थे, तो उससे आके बेचारे से 3-4 ओवर जबरदस्ती करवा दिए, वो भी लंच के बाद आकर उससे करवाई गई। तो आखिर ये कौन सी लॉजिक थी, ये शान से पूछा जाए, ये हफीज से पूछा जाए, किससे पूछा जाए कि यार एक आदमी इतनी अच्छी, मैं तो चार दिन से ये कह रहा हूँ भाई उससे नया गेंद कराओ, वो एक लड़का है जो रिदम में है, फॉर्म में है, गोल्डन आर्म, मैन ऑफ द मैच, एवरीथिंग इज देयर, आपने उससे बॉल ही नहीं कराए। शायद हमारे रिपोर्टर्स को उसका कुछ पता हो जो पूछे इन लोगों से, कि शायद इनको कुछ पता हो कि ये क्या हुआ है। और अभी मैं एक क्लिप आई थी जो मैंने अपने सबको शेयर किए, तो लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि लड़कों की और हफीज की तू तू मैं हो रही, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लड़के कोच सेलेक्टर के दरमियान 10-12 साल का फासला होना चाहिए, ये आपस के दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने कम उम्र में आपने उनको आती बना दिया कोच और डायरेक्टर, सारा कुछ जो है ना गड़बड़ हो गई है। अच्छा फैजान भी हमारे साथ, मुझे फैजान मैंने कहीं कहीं कुछ पढ़ा और मेरे दिल पे हिट की, किसी ने लिखा था अभी आज के कहीं कमेंट पे सोशल मीडिया में कि ऐसा लगता है कि अब हमें एक नई जनरेशन के लिए वेट करना पड़ेगा जो शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान को जीत दिखा सके, बिकॉज वी हैव सीन जनरेशन आफ्टर जनरेशन just not doing it right. So many बहुत सारी बातें, आई थिंक अब जो हफीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इट विल बिकम द नेक्स्ट हेडलाइंस। देखिए अभी हफीज ने जिस तरह बात की या कि हम वहाँ सीखने जाते हैं या नए प्लेयर्स को ट्राई करना होता है, उनका टैलेंट देखना होता है, तो भाई आपने टैलेंट देख लिया तो उनको अगले आगे जाके रिटेन तो करें, ये तो ना करें कि दो टेस्ट के बाद फिर उनको बाहर कर दिया। जिस तरह मैं पिछले दिनों ही बात कर रहा था कि यार 16 आपने टेस्ट कैप्स यहाँ पे पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में दी हैं, और उसमें उन 16 में से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इक्का दुक्का टेस्ट के बाद डिसअपेयर हो गए, 3-4 ऐसे थे जो रेगुलर पाकिस्तान टीम का पार्ट बन सके, इस दौरान ऐसे काफ़ी प्लेयर्स आए और आपने किसी को बस सिर्फ इसलिए टेस्ट कैप दे दी कि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है आपने मौके दिए प्लेयर्स को, अब आप इनको कंटिन्यू करें। आप पहले हुरेरा को साथ लेते रहे, हुरेरा को आपने खिलाए बगैर ही बाहर कर दिया, आई बिलीव कि हुरेरा का भी मौका बनता था, खैर अब जो हुआ सो हुआ, आपने साइम को मौका दे दिया, अब साइम के साथ स्टिक करें, साइम को प्रॉपर चांस दें, ये ना करें कि यार वहाँ चल ना सका उसमें ये मसला हो गया, या खुर्रम शहजाद अनफिट हो गए पहले मैच के बाद, आप खुर्रम शहजाद को आप मौका दें, उसकी अब रिहैब पर काम करें और उसको आगे भी खिलाएं, या आमिर जमाल को आप लेके चलें। अब ठीक है फहीम अशरफ से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आमिर जमाल को लॉन्गर रन दे, जो हम टेस्ट करते हैं प्लेयर्स हमें मिल गए, ऑल्दो टेस्ट सीरीज फातिमा को ठीक है। सॉरी फैजान बी रनिंग अ शॉर्ट टाइम, एक भट्टी साहब से भी वर्ड ले लूं क्विक इसके ऊपर, और भट्टी साहब आई थिंक फैजान जो सही बात कह रहे हैं कि भाई आप क्योंकि आज तो रफीज रेस्ट की बात करें तो ने मतलब बाबर आजम को भी रेस्ट करना है, तो ही शुड रेस्ट एंड शुड गेट अ ब्रेक, तो फिर ये प्लेयर्स को आगे कैरी ऑन भी करना है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं कि फिर ये हुरेरा के पीपल विल फॉरगेट हु हुरेरा इज। देखिए फातिमा नो डिसरिस्पेक्ट टू मोहम्मद हफीज, लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ पॉलिसियाँ शख्सियात के साथ चलती हैं, हफीज जो पॉलिसी लेकर आए अब हमें नहीं पता, जो बातें हो रही हैं अगर अगले महीने क्रिकेट बोर्ड में चेंज आती है तो क्या हफीज जिन लोगों की आज बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे? अगर आप 4 साल पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हारा था, मिकी आर्थर की सिडनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, वो भी यही बात कर रहा था जो आज हफीज कर रहा है। देखें ये हमारा सिस्टम का मसला है, ऊपर से चेंज आती है पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, हमें एक प्रॉपर टेस्ट मैच की पॉलिसी बनानी होगी, चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज राजा हो, एहसान मानी हो या नजम सेठी हो, वो पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट चेंज हो रही है, कप्तान चेंज हो रहा है, देखें हमारे पास प्लेयर्स हैं लेकिन एक तो हम हारने से डरते हैं, उसके बाद हमारे मीडिया के जो दोस्त हैं ना वो भी प्लेयर्स के अब तर्जुमान बने हुए हैं, किसी प्लेयर को ऊपर पहुँचा देते हैं, किसी को एकदम गिरा देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर वाकई कोई डिजर्विंग है तो उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन बाबर आजम, ये तो मैंने 22 दिसंबर को ये बात कही थी कि बाबर आजम को टीम मैनेजमेंट 3 मैचेस खिलाएगी न्यूजीलैंड में, 3 मैचेस खेलेंगे मोहम्मद रिजवान, तो इस तरह उनको रेस्ट दिया जाएगा, ये अच्छी पॉलिसी है। देखें बाबर आजम भी एक मेरे ख्याल उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी सीरीज में कोई बड़ा मार्का जितवा के देते, लिहाजा बाबर आजम को आराम दे दे, अच्छा है वो फ्रेश माइंड के साथ आए और पाकिस्तान के लिए विनिंग नॉक्स खेले।
ठीक है, और उन्हें बोला भी है कि बाबर आजम को एक बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है और उनका फिर कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। एंड इट्स ओके, हर प्लेयर्स का मेंटल ब्लॉक या एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। सो ये हम लोग बात करें, मगर भट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की, बट टेस्ट पॉलिसी सेम होनी चाहिए, फिक्स पॉलिसी, वो क्या हो सकती है? या भी हमें बताएंगे, और टीम डायरेक्टर ने और क्या बात है कि वी विल टॉक अबाउट इट। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, आपका नाम है, आपका कैरियर है, आपने अपना कैरियर खुद बनाना है। मैं ये समझता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट जो जितनी खेलेगा उसके सारे स्किल शाइन होंगे और वो सारे फॉर्मेट्स खेल सकता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट आप अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट ही आपके स्किल्स को पॉलिश करती है। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट ही आपके स्किल्स को पॉलिश करेगी। स्टेइंग अवे मतलब दूर रहना इस गेम से आपके लिए अच्छा नहीं होता। क्या किसी पर पॉइंट करें कुछ बात या नहीं? हमारे साथ याया भी है, याया थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। याया, बहुत सारी बातें की हफीज़ ने आज, टेस्टिंग टैलेंट की भी बात की, बट वन थिंग विच आई वाज हैप्पी दैट ही सेड और जो हम सब खुश है वो ये थे कि डोमेस्टिक जो पूरे सिस्टम में मौजूद प्लेयर्स हैं उनको हमने एक्शन में देखा एंड वी वॉन्ट टू सी मोर ऑफ देम। देखिए फातिमा, बात दरअसल ये है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हारे हैं और 1999 के बाद आप ऑस्ट्रेलिया के तीनों टेस्ट मैच हार गए हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तीन टेस्ट मैचों का आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का इदराक होगा। मोहम्मद हफीज जो बात कर रहे हैं, मोहम्मद हफीज जो तब्दीली लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा कि मोहम्मद हफीज ड्रिल करेंगे और दूध की नहरें बहने लगेंगी। बात दरअसल ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी खिलाड़ियों को लेनी पड़ेगी। अगर आप पोस्टमार्टम करने जाएंगे इन तीन टेस्ट मैचों का तो लोग कह रहे थे कि भाई इनकी तो गेंद नहीं पहुंच रही, इनकी तो रफ्तार नहीं है, इनकी तो बॉलिंग देख के हमें शर्म आ रही है। और वो काम इन्होंने किया जो वसीम बक्कार नहीं कर सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 टेस्ट मैचों में आपकी टीम ने आपको 5 मरतबा बोल्ड आउट किया है, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 500 रन नहीं कर सकी, ऑस्ट्रेलिया का एक बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सका इस सीरीज में। दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप बात कर रहे हैं कि जी आप ऑस्ट्रेलिया भेजते नहीं है, इमामुल हक को आपने भेजा ना ऑस्ट्रेलिया, इससे पहले भी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, बाबर आजम इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया गए थे, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। और ये मत बोलिएगा कि हमारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहे, पिछले साल आप वर्ल्ड T20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का पता है। ये वो पिचेज नहीं है जिसके ऊपर बाउंस है, जिसके ऊपर जो है वो हार्डनेस है, ये ड्रॉप इन पिचेज हैं, हमारे लिए भी वैसी है जैसे उनके लिए है। आपने 2 टेस्ट मैचों में बिल्कुल हाथों से ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जीत दी है, आपने 47/4 से हाथों से कैच ड्रॉप किया है, हफीज को नहीं पकड़ सकते आके, उसके बाद आपको जीतना चाहिए था, आपने सिर्फ 43 गेम्स के ऊपर जो है 5 विकेट गिरा दी 9 रन के इजाफे से। बात दरअसल ये है कि यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर खिलाड़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। वो जो बात कर रहे हैं कि हमने पुराने लोगों को मौका दिया है, आप अगर देख लें पिछले 3 महीने में सिर्फ ICC रैंकिंग के गिर्द हम घूम रहे थे, पिछले 3 महीने में सिर्फ हम ये बात कर रहे थे कि ICC के पैसों में से हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए, हमें इतने पैसे मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर भी नजर होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो आपको ग्राउंड में नजर आ रही है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो इस बात का खुलासा कर रही है। आपने 5 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट किया, सिडनी टेस्ट मैच आप जीत सकते थे विदाउट शाहीन शाह आफरीदी, आप शाहीन शाह आफरीदी के बगैर ये टेस्ट मैच जीतने के लिए जा रहे थे। अगर आप बैट्समैनों की बात करते हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मैं मानता हूं, लेकिन आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि शान मसूद ने इस टीम को लीड किया, फ्रंट से लीड किया, क्लियर डिफरेंस वॉज के पाकिस्तान लैक डेप्थ और ऑस्ट्रेलिया प्लेड लाइक चैंपियन, सो वो हमने देखा। फैजान आप कुछ बोल रहे हैं, अभी ओपन डिस्कशन है, आप लोग सब ओपन। एक और चीज में याया की बात को आगे बढ़ाऊंगा, हमने तीनों टेस्ट में एक पैटर्न देखा कि पाकिस्तान पहली इनिंग में बड़ा अच्छा खेल रहा होता है, सेकंड इनिंग में जाके पता नहीं क्यों स्ट्रेस आउट हो जाता है, और सेकंड इनिंग में हम बड़े ही यूं लगता है कि जैसे हम हाथ पैर फूल गए, पहली इनिंग अच्छी भली खेल रहे होते हैं हम टेस्ट में, दूसरी इनिंग में हम पता नहीं क्यों बौखला जाते हैं। व्हाई इज दैट सो? नहीं मैं देखो मुझे नहीं ये सही कह रहे हैं, मगर मैं अभी याया ने बात की कि फीस की कोई गलती नहीं है, शान मसूद जबरदस्त ये कुछ, तो भाई आज आमिर जमाल को मेरा एक सवाल का कोई जवाब दे दे, कोई लॉजिक पेश करे ना मुझे। आमिर जमाल को पहले आना चाहिए था, ये लॉजिक कोई दे दे ना। फैजान तुम्हें कोई तुम्हें पता है फैजान की क्यों नहीं बॉल कराया उसे? सर कोई आइडिया नहीं क्यों नहीं कराया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट सिकू भाई बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये शान मसूद का डिसीजन था कि उन्होंने जब बेहतर समझा, बट हर कोई ये तवक्को करता है कि जिस तरह की फॉर्म में आमिर जमाल है शुरू में हम थोड़ा चांस ले सकते थे उसको खिला के, क्या पता अच्छा दिन हमारा हो जाता, बट ठीक है। बट ये सब आमिर जमाल की डेथ के बहुत टाइम तक बातें होती रहेंगी, यू नो 18 विकेट्स जोस 82 रन, नो डाउट व्हाट अ डेब्यू। बड़े बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं कि फाइंड ऑफ द सीरीज है, लेकिन फातिमा अब ये सीरीज खत्म हो गई, अब ये हिस्ट्री हो गई। अगर आमिर जमाल को बड़ा प्लेयर बनाए तो इसको फिर आगे कंटिन्यू करना होगा इस तरह की परफॉर्मेंस को। लेकिन जो बात मोहम्मद हफीज कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की जी, उस पॉलिसी को कौन इंप्लीमेंट करवाएगा, मेरा तो ये सवाल है। रेड बॉल क्रिकेट बिल्कुल खेलना चाहिए, अभी देखा ना शादाब खान रिसेंटली तो अनफिट है, जब वो फिट थे मैंने नहीं देखा कि शादाब खान
फर्स्ट क्लास क्रिकेट कभी कभार खेलते थे, तो ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो सब प्लेयर्स के लिए, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, पॉलिसी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। बट आपको लगता है कुछ इशारा था या ये जी जी सिक्कू बोले, इट्स ओपन डिस्कशन या आप भी बीच में बोल सकते हैं। नहीं भट्टी साहब, मैं आपसे जो कह रहा था, जब वहाब का इंटरव्यू दिया है तो ये आपको कोई लॉजिक नजर आई थी इस बात पे कि किसी फिटनेस के बारे में बात नहीं की जाए, ये किसका फैसला होगा? ये अभी की बात नहीं कर रहे, ये पिछले दौर की बात कर रहे हैं, जब मिकी आर्थर पुराने पिछले दौर में देखे, ये तो जाहिर है कप्तान और डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर बाबर आजम यही उसको रिप्लाई कर सकते। बट ठीक है, बहुत सारी बातें भी हो रही है या बाबर को रेस्ट कराने की सब कुछ, व्हाट डू यू सी? अभी हमने न्यूजीलैंड में T20 भी खेलना है, आई थिंक आज टीम जा रही है। बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट का मसला नहीं है, मसला पाकिस्तान क्रिकेट का जीत है। पाकिस्तान क्रिकेट को जीत चाहिए, चाहे वो बाबर आजम दिलाएं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी दिलाएं, चाहे वो सायम अय्यूब दिलाएं, जो टीम को फ्रंट से लीड करेगा वो पाकिस्तान टीम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आपको मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूं कि सायम अय्यूब के अंदर ठीक है सॉरी आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट वी हैव टू सी मोर सायम। एंड बिफोर दैट मुझे ये बताएं, बिकॉज़ आपके पास स्टैट्स होते हैं फैजान, हाउ मेनी कैचेस डिड वी ड्रॉप? यार आई लॉस्ट द काउंट एक्चुअली फातिमा, टू बी ऑनेस्ट, बट अराउंड 11-12 कैचेस जो हम अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक में भट्टी साहब 11-12 कैचेस हमने ड्रॉप किए, बट चले हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखेंगे। बट जियो न्यूज के हमारे नाज़रीन, सॉरी वी जस्ट हैव दिस टाइम, बट वी विल सी यू सून। अभी T20 का टाइम शुरू होगा, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज। अल्लाह हाफिज़।